लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त हो चुके हैं। राजनेताओं द्वारा गांव-गांव घूमकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। चारों तरफ से चुनाव का शोरगुल है। ऐसे में इस चुनावी शोर से बचने के लिए शाहपुर गांव की पंचायत ने अनूठा फैसला लिया है। जींद के शाहपुर गांव की पंचायत ने गांव में लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी राजनेता अब गांव में लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। यदि किसी राजनीतिक दल ने नियम का उल्लंघन किया तो उसे 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को गांव में चुनाव प्रचार करने से पूर्व पंचायत द्वारा निर्धारित की गई कमेटी को इसकी सूचना देकर मंजूरी भी लेनी होगी। इसके साथ साथ पंचायत ने गांव में डीजे बजाने, ट्रैक्टर पर डेक बजाने, शराब की बिक्री व मृत्यु भोज पर भी रोक लगा दी है। यदि किसी ने गांव में डीजे या डेक बजाया तो उसे भी जुर्माना देना होगा। पंचायत के इस फैसले के बाद कमेटी द्वारा नियम के उल्लंघना करने वाले 3 लोगों को जुर्माना लगाकर 21,000 रुपए की राशि भी वसूली जा चुकी है। जुर्माने से एकत्रित होने वाली राशि को गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। शाहपुर गांव की पंचायत ने चुनावी शोरगुल से निजात पाने के लिए गांव में लाउड स्पीकर से प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। K9 मीडिया के लिए जींद से अमरजीत खटकड़ की रिपोर्ट। मैंने ये गांव में हल्ला जब बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे युवा बच्चे हैं, हल्ला हुआ है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है बच्चों का, तो वह पार्टी एक जगह खड़े होकर अपना प्रचार करो। गांव में जगह जगह घूम कर प्रचार नहीं करना है। तो कितना जुर्माना लगा आपने? 11,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। क्या कंडीशन रखी गई है इसमें? अगर लाउड स्पीकर बजेगा गांव में, जगह जगह जाकर बजाओगे तो 11,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा हर एक पार्टी को। और इसमें दिया गया है भी गांव से बाहर एक जगह खड़े होकर ना अपना लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, अपना चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। डीजे पर रोक लगाई गई है। जो ये युवा बच्चे हैं, गोज में असला रखे हैं साथ में, तो इब यहाँ अपना पड़ोस में दलमाला गांव में ही एक अच्छा होया था, तो इसका कारण सोच समझ कर विचार कराया गया था। पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया है, अगर भाई यू असला नहीं रखा जाओ है, डीजे पर रोक लगाई जाओ है, डीजे पर भी 11,000 रुपये जुर्माना है। तो इसमें गांव का भी विकास होगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें गांव का विकास होगा, और जो ये गलत राह पर बच्चे चलने लग रहे हैं उनकी कुछ रोकथाम होगी। गांव में जो शराब के ये खुर्दे थे उनका कारण कुछ और जनसभा में मतलब ये शराब पीनी छोड़ देंगे, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा भविष्य के लिए, आगे बच्चों का संकेत बढ़िया। भाई यूँ फैसला लिया हमने, इन बुराइयों को दूर करने के लिए फैसला लिया है। डीजे, दहेज, मृत्यु भोज और शराब, जो घर घर में शराब बिक्री है, इसमें कड़ा फैसला लिया गया। शराब के ऊपर 11,000 रुपये जुर्माना लगा दिया गया है, डीजे पर भी 11,000 रुपये, ट्रैक्टर पर जो बजाओगा उस पर 5,000 रुपये जुर्माना। तो कितना जुर्माना कलेक्ट कर लिया आपने? हमारा द्वारा जुर्माना रुपये 21,000 आ चुके हैं। उन पर भी बैन है, जो ट्रैक्टर पर डीजे पर बैन है उन पर भी किसी का स्पीकर नहीं बजेगा। वो भी अपना मंदिर पर या प्रसमा है कि नहीं, अपना मुंह से जो भाषण देश का, लेकिन माइक में नहीं। पहले है कि अपना चौकीदार कहकर आदमी इकट्ठे कर ले, फिर अपना भाषण देश का है, लेकिन स्पीकर नहीं बजेंगे उनके भी। ठीक है, आपके गांव में? मैंने गली में जी टैप बजा दिया था जी, ये ट्रैक्टर पर डीजे बजा दिया था जी, इस पर बैन लगा दिया था जी। कितना लगाया? क्या उनसे लगाया जी बैन तो जी? अच्छा, और क्या बैन लगाया गया? जब राजनीतिक लोग आएंगे, लोकसभा चुनाव है यहाँ, तो इसका किस तरह का बैन लगाया, क्या होगा उसमें? उरा जी जो कर माइक मुइक बजा दिए नहीं जी गांव में जी, उन पे बैन लगाया जाओगा जी। जुगर को दारू दूर बेचदा पै गया जी खोटड़ी खाटड़िया में जी, उन पर बैन लगाया। 30 आदमी जो कमेटी एक्शन ले होगी उसके, उसमें हम उसका दंड भी लगाएंगे, 11,000 का दंड है।
ਧਵਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਦਲ ਆਊਗਾ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਉਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਯਾਨੀ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਚੁਗਰ ਦੋਗੋ ਚੁਗਰ ਦੋਗੋ ਅੱਲਾ ਲੋਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਬਤਾਗਾ ਕਿਤਨਾ ਡੰਡ ਲਗਾਇਆ 11,000 ਰੁਪਏ ਡੰਡ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਹਾਂ ਵੇ ਪੋਸਟਰ ਕੱਲ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰਚੇ ਛਪਵਾਇਆਗਾ ਨਾ ਬਾ ਚੋਪਾਲਾ ਪੈ ਸਰਜਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਆ ਜਬ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਮਿਲਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਬ ज़रूरत क्यों पड़ी इस फैसले की अगर बात करें तो डीजे का है। डीजे पर सबसे पहले तो इतने अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, जाति के नाम पर भी चल रहे हैं, धर्म के नाम पर भी चल रहे हैं और भी कई तरह के अपने भाईचारों को बिगाड़ने का काम हो रहा है डीजे से। तो इसके ऊपर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया अगर कोई बजाएगा, और साथ ही डीजे के अगर कोई हर्ष फायरिंग करता है, कोई जन्मदिन मनाता है या कोई शादी में गोली चलाता है तो 1,00,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना है। साउंड का है, वो माइक लगा के अपने प्रचार के लिए घूमते हैं कि ये फलाना नेता आ गया है, आज इस टाइम पे इसका प्रोग्राम है। अगर इनको न बंद करें तो फिर ये आवाज़ आती है चारों ओर से कि इनको तो खुला छोड़ दिया, हमारे ऊपर बैन है, इनको तो खुली छूट है। वो भी तो साथ में ऐसे ही गाने चलाते हैं, वो तो 2 मिनट बोलते हैं कि ये नेता आ गया, लेकिन बीच में वो और कुछ चलाने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार का उनके ऊपर भी बैन लगाया है, जो और गांव वालों के ऊपर लागू होगा जो जुर्माना वो उनको भी देना पड़ेगा। एक गांव की पंचायत हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया है जी कि कोई ना तो ब्याह शादी में डीजे बजेगा। डीजे बजने से बहुत सी गांव में हानियां होती थी, शराब पी कर कूदते थे, उससे बहुत नजायज नुकसान हो रहा था गाँव का जी। इसलिए एक फैसला तो ये लिया गया है कि गाँव के अंदर शादी में या किसी चीज में डीजे नहीं बजेगा।